कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों हम लोग हमने मैट्रिक डिटरमिनेंट की थ्योरी पढ़ी थी, उसकी प्रोग्रेस भी की थी। कुछ प्रॉब्लम्स हम आईआईटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आईआईटी लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो हम आज करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे, पता चले कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पूछी जाती है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए साथ देखिए, ये एक प्रॉब्लम है जो आपकी 2019 में आई है मेन में। क्या है साहब? ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। एल्फा एक रियल नंबर है। सच दैट ए की पावर 32 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0, यानी कि ए की पावर 32 इसके इक्वल है। देन ए वैल्यू ऑफ एल्फा इज, एल्फा की वैल्यू क्या हो? क्लियर है बच्चों? तो चलिए सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। यहाँ ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए बोलेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई आप जानते हैं क्या, कॉलम बाई रो करते हैं कि नहीं? तो देखिए, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ऐसे ही पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट आ गया, इसका दूसरी रो का पहला एलिमेंट कैसा आएगी? दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरी रो दूसरा कॉलम। इस ढंग से बच्चों सिंप्लीफाई करके स्क्वायर की वैल्यू हमारी कॉस टू एल्फा माइनस साइन टू एल्फा या साइन टू एल्फा कॉस टू एल्फा है। ऐसे ही करते चले जाएंगे, ए थ्री निकालेंगे कॉस थ्री एल्फा आएगा, आप करके देख लीजिए। तो इसी ढंग से वाई सिमेट्री ए की पावर एन को मैं कॉस एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा कॉस एन एल्फा से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों? अब आइए, चूंकि मेरे पास मुझे गिवन है ए की पावर 32, तो यहाँ एन को 32 रख दो। एन को 32 रखेंगे तो ये 32 किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस 32 एल्फा माइनस साइन 32 एल्फा, साइन 32 एल्फा कॉस 32 एल्फा। और कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे इससे, 0 माइनस 1 1 0 से। तो क्या हुआ साहब? कॉस 32 एल्फा इक्वल टू 0 एंड साइन 32 एल्फा इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से कॉस 0 कहां होता है? पाई बाय 2 पे। तो 32 एल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, एल्फा इक्वल टू पाई ओवर 64। या इससे कर लीजिए, साइन 1 का होता है, साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे, तो 32 एल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 देन एल्फा इक्वल टू 64। क्लियर है कि नहीं बच्चों? इस ढंग से आप इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए जल्दी से प्रॉब्लम नंबर 2। बहुत सिंपल सी है ये भी, आपकी 2019 में ही आई है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई प्लस के जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस वाई माइनस के जेड इक्वल टू 3 हैज ए सॉल्यूशन। इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स वाई जेड ऑब्वियस है, कुछ तो आएगा, तो सॉल्यूशन एक्स वाई जेड बोला, और जिस पर जेड नॉट जीरो का आए। ठीक, देन एक्स वाई लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन ए, मतलब जो एक्स वाई है उसका लोकस क्या होगा? लोकस इसने खुद बोला कि वो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन कौन सी होगी? बहुत सिंपल है, यानी कि तीनों इक्वेशन में से हमें जो के नोन है उसको एलिमिनेट करना। भाई जो हमारा पैरामीटर होता है उसी को तो हम एलिमिनेट करते हैं लोकस निकालते वक्त। चलिए पहली और तीसरी इक्वेशन लीजिए। फॉर्चुनेटली के जेड से के जेड कैंसिल हुआ, इक्वेशन बनी 4x माइनस 3y इक्वल टू 4। सो लोकस ऑफ एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज 4x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्लियर है? नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी आपकी 2019 में ही आई है। 2019 में जनवरी और अप्रैल में जो एग्जाम हुए थे, अब आप लगा लीजिए 8-8 पेपर हुए, मान लीजिए 4 शिफ्ट में, तो 8 × 16 शिफ्ट में मैट्रिक डिटरमिनेंट से कम मिनिमम 2 से 3 प्रॉब्लम आप मानोगे। तो 2019 जनवरी और अप्रैल के ही पेपर में लगभग 32-35 प्रॉब्लम मैट्रिक डिटरमिनेंट की थी, तो वो मैं आपको सारी वैरायटी दिखा रहा हूँ किस किस टाइप से उसने पूछी थी। तो चलिए साहब,
लेट द नंबर टू बी सी इन एपी, ये नंबर है टू बी सी एपी में है और ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है ए, 1 1 1 2 b c 4 b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक। फिर उसने कहा कि अगर ए जो डिटर्मिनेंट है, ये ए डिटर्मिनेंट को ए से नोट कर दिया इसने, ए बिलोंग्स टू 2 to 16, ए इस इंटरवल में लाई कर रहा है, देन सी लाई इन द इंटरवल, सी कहां पर लाई करेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं करा, इस डिटर्मिनेंट को कैसे हम खोलेंगे वो काम करा है। तो भाई ये तो सिंपल है, बोर्ड की प्रॉब्लम है, बोर्ड से भी नीचे की, खोल तो आप आराम से सकते हो। मैंने क्या करा, c1 - c3 c2 - c3 करा, दो जीरो बन गए, दो जीरो में भी मुझे c2 में b - c बाहर कॉमन नजर आ रहा है और c1 में 2 - c बाहर आ रहा है, क्योंकि 4 - c² के वेक्टर 2 - c 2 + c हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो बच्चों क्या हुआ, ये 0 1 2 + c 0 1 b + c 1 c c² एक बार फिर मैंने c1 - c2 करा तो एक जीरो और बन गया मेरा। तो इस ढंग से मैंने जब इसको खोला तो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों ये आ गई फाइनली 2 - b 2 - c c - b। कोई परेशानी यहां तक, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए, आपको दिया है 2 bc ap में, तो मैं कॉमन डिफरेंस d ले लूं तो b = 2 + d और c = 2 + 2 d होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो बस ये डिटरमिनेंट में बी सी की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, बी सी और सी और बी की, और सिंप्लीफाई करके डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 2 dq। बोलो बच्चों, अब ये डिटरमिनेंट कहाँ लाई कर रहा है, 2 से 16 के बीच, तो ए की जगह डिटरमिनेंट की जगह 2 dq रख दिया मैंने, तो वैल्यू 2 dq भी 2 से 16 आएगी। तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 1 से 8, भैया d की वैल्यू 1 से 2 आई या नहीं आई, बोलो। अब c कितना है मेरे पास, 2 + 2 d, ठीक। जब d 1 से 2 है तो 2 d कितना हो जाएगा, 2 से 4, अब 2 ऐड कर दो सारे में तो 2 + 2 d 2 + 2 2 + 4, तो 4 से 6 आया कि नहीं। और 2 + 2 d किसकी वैल्यू है बच्चों, c की, इसकी जगह c रख दो तो c हमारा 4 से 6 के बीच आया कि नहीं आया। तो क्या कहेंगे हम, 6 लाई इन द इंटरवल 4 to 6, एक ऑप्शन आपको गिवेन होगा, उसको आपको टिक करना था, ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दूर होंगे। क्या है प्रॉब्लम पढ़िए पहले, इफ 1 1 0 1 1 2 0 1, देखो नीचे के 0 1, नीचे के एलिमेंट r2 के यहां से लेके लास्ट तक सेम, ठीक है नहीं। ऊपर के पहले ब्रैकेट में 1 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 2, तीसरे ब्रैकेट में 1 3 और n-1 वे ब्रैकेट में 1 से n-1, और ये बच्चों सब प्रोडक्ट में है, ये बेसिकली है में है प्रोडक्ट में। तो चलिए साहब क्या करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट 2 को, तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपकी फिगर, जल्दी बोलो, 1 1 + 2 0 1, यानी कि 1 3 क्या आ गई फिगर, 1 3 0 1। तो मैं इसे 3 को 3 ना लिख के 1 + 2 लिख रहा हूं। अब चलिए, अब ये पहले 2 ब्रैकेट का रिजल्ट है, ये आया 1 3 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, ये आया कि नहीं, मैंने 1 + 2 को अब यहाँ पे 3 लिख लिया भाई दीदी। तीसरा ब्रैकेट ये है, ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 6 0 1। ये जो 6 है बच्चों, इस 6 को फिर मैंने 1 + 2 + 3 लिख दिया। अब ऐसे ही इसको अगर मैं नेक्स्ट वाले से करूंगा तो यहाँ पे फिगर आएगी 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही करते चले जाएंगे, बाकी फिगर में कोई चेंज नहीं है, इसी में चेंज आएगा। तो भैया लास्ट ब्रैकेट तक जब हम जाएंगे तो वो फिगर क्या आ जाएगी हमारी, 1 0 1 + 2 + 3 + 4 + n-1। भाई तीसरे ब्रैकेट पे अगर हम गए तो 1 + 2 + 3 आया, चौथे ब्रैकेट पर जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 आएगा, तो n-1 ब्रैकेट पे लास्ट में n-1 आएगा कि नहीं, इक्वल टू दिस। अब फिर आइए 1 से लेके n-1 तक, आप जानते हो σn-1, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, n(n-1/2) हो गई। बोलो बच्चों, अब इसको इससे कंपेयर करिए, n(n-1/2) = 78, तो यहां से सॉल्व करके बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब एन की 13 वैल्यू आप रख देंगे कहां, क्यों, क्योंकि पूछा है देन द इनवर्स ऑफ दिस, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ रहा है, यानी कि 1n 01 का। तो बच्चों क्या करेंगे हम, एन की जगह 13 रख दो, इसका मतलब 0 13 0 1 का इनवर्स पूछ रहा है। तो बच्चों इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए, तो इसका डिटरमिनेंट कितना है बच्चों 1 × 1 माइनस 0 × दिस, तो डिटरमिनेंट 1 आ गया इसका। अब बच्चों एक शॉर्टकट मेथड होता है, अगर आपकी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने का एक इजी मेथड है। क्या देखिए, इधर ये जो डायगनल एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगनल, इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए विद साइन, विद साइन चेंज करिए। अब चूंकि यहाँ पे 1 1 ही है, प्लस ही साइन है, तो आपस में इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ लिया है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट बचे हुआ आपके 0 और 13, उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 और 13 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 - 13 हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो ये आपका क्या आ चुका एडजॉइंट। इसका बच्चों एक फॉर्मूले के रूप में मैं बता रहा हूँ आपसे, ये एक मैट्रिक्स है, क्या थे एलिमेंट ए बी सी डी, ठीक है साहब, मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, तो कैसा आएगा बच्चों एडजॉइंट इसका, देखिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दिए, और मैंने कहा था विद साइन चेंज करने हैं, विद साइन का मतलब जैसे ये ए होता और ये माइनस डी था, तो यहाँ पर माइनस डी आ जाएगा और ये ए इधर आ जाएगा, जैसा जिसका साइन है वैसे ही चेंज करने हैं। फिर ये दूसरे जो दो एलिमेंट बचे इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल गया। मैंने लिख भी दिया प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज विद साइन, दूसरे जो एलिमेंट बचे मल्टीप्लाई बाई -1। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस ये है लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0, देन और y, y की वैल्यू है r - 0, रियल नंबर है 0 को छोड़ के, देन द डिटरमिनेंट y + 1 अल्फा बीटा, अल्फा y + β 1, बीटा 1 और ये है y + α इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो बच्चों इस डिटरमिनेंट को निकालेंगे हम, यहां से देखिए चूंकि इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1, और अल्फा बीटा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट, जानते होंगे ये। तो चलिए साहब अब हम क्या करेंगे, इसमें r1 r2 r3 को r1 में ऐड कर दो, तो हमारे पास y + 1 + α + β तीनों एलिमेंट सेम हो गए। अब बच्चों देखिए α + β को मैंने यहां से -1 रखा, ये -1 और +1 0, तो सिर्फ वाई वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें से भी मैंने C1 में से वाई वहां निकाल लिया, 1 1 1, 3 1 हो गए, 2 0 बना लो तुरंत, कैसे r1 - r3 कर दो, r2 - r3, फाइनली ये 2 0 आ गए। और अब बच्चों मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसको खोलने के, फिर मैंने इसको खोला, खोल के सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों जहां पर α + β है वहां -1, और जहां अल्फा बीटा है वहां 1, और जैसे एक ही आया था α² + β² इसको मैंने लिख दिया α + β² = 2α β, लिख देंगे कि नहीं इस फिगर को, ऐसे इस ढंग से हम करेंगे। अब देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, मैं अगर आपसे यहां बात करूं कि साहब क्या बाकी ये 1 मिनट 2 मिनट की प्रॉब्लम है, नहीं, इसमें टाइम लगेगा, इस कैलकुलेशन को करने में ही आपको 1.5 मिनट लग जाएंगे, और जिस समय आपको प्रेशर होता है वहां पे एग्जाम में कि साहब आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम प्रॉब्लम करनी है, तब और ज्यादा आप होपलेस होते हैं। तो कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन क्या करा जा सकता है भाई, सिंपल सी बात है, मान लीजिए 25 प्रॉब्लम है, 1 घंटे का समय हमें मिलता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा समय निकाल लो और मैथ को 1.5 घंटे में कन्वर्ट कर लो, 1.5 घंटे में 25 प्रॉब्लम मींस आप एक ढंग से 90 मिनट हो गई, 90 मिनट का मतलब हो गया लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 3 से 3.5 मिनट, ठीक,
बट ऐसा भी नहीं है कि आप 25 की 25 प्रॉब्लम करते हो, पता चला 25 में से आप 15 ही करके आए, 20 करके आए। अगर आप 15 एक एवरेज लेते हो मैथ का, तो 15 का मतलब हो गया लगभग 5 से 6 मिनट, 5 मिनट मिनिमम मान लो। तो 5 मिनट में मैं उम्मीद करता हूं कि 5 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सब आपके आईआईटी में आई हुई प्रॉब्लम्स है। द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बतानी है कब। व्हेन मैट्रिक्स ए इज गिवन दिस एक्स वाई रियल नंबर, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सच दैट ए की पावर टी इंटू ए की पावर टी, बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा। यहाँ ट्रांसपोज को हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए की पावर टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए की पावर टी इंटू ए इक्वल टू थ्री आई थ्री, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होंगी। तो आइए साहब, मैं पहले ए की पावर टी इंटू ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए की पावर टी क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। अब ए से मल्टीप्लाई करो, तो फिर वही मल्टीप्लीकेशन क्या होती है आप जानते हो, रो बाई कॉलम होती। पहला एलिमेंट, पहली रो, पहला कॉलम, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो दूसरा कॉलम, तीसरे एलिमेंट के लिए पहली रो तीसरा कॉलम। ये आप भली भांति सब जानते हैं। अब ये मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आई, 8x2 0 0 0 6y2 0 0 0 3, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 3। किसके इक्वल है, 3i3 रख दिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे कंपेयर कर दिया। कंपेयर तो करेंगे ना, तो 8x2 = 3, 6y2 = 3, तो यहां से x2 3/8, x = ±√3/8, y2 1/2, y = ±1/√2। तो बच्चों एक्स और वाई की प्लस माइनस में दो दो वैल्यू है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आएंगी हमारी, 4 आएंगी। 4 भी कैसे आएंगी, मान लीजिए एक्स भी प्लस लो वाई भी प्लस लो, एक एंट्री हो गई एक्स प्लस लो वाई निगेटिव लो दूसरी एंट्री, फिर एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव ले लो तीसरी एंट्री, और फिर दोनों ही निगेटिव ले लो। तो इस ढंग से 4 एंट्री फिल कर सकते हैं कि नहीं हम, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी बच्चों, 4। कर लीजिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, क्या है प्रॉब्लम, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y + 2z इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस 3y + λz इक्वल टू म्यू, लैम्डा म्यू रियल नंबर है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इज, यानी कि जो 3 इक्वेशन आपको दी हैं इनके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। किससे, क्रैमर रूल। पढ़ाया था मैंने आपको, आपको क्रैमर रूल वाली वीडियो में जाना पड़ेगा, वहां से इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बस आप इतना देखिए कि पहले मैंने डी जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनसे बनने, उनसे जो डिटरमिनेंट बनता है उसको डी बोल लूंगा। अब इसको क्या करेंगे हम, सी वन के सारे एलिमेंट को इन कॉन्स्टेंट 3, 6 म्यू से रिप्लेस कर दिया, बाकी C2, C3 वैसी रहने दिया, D1 आ गया। D2 में क्या करा मैंने, C2 के सारे एलिमेंट को हमने रिप्लेस करा किससे, 3, 6 म्यू से, बाकी दोनों कॉलम वैसे रहने दिए। D3 में C3 एलिमेंट को रिप्लेस किया, इस ढंग से D1, D2, D3 और D चारों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बच्चों देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 3 केस बताए थे मैंने, कि आपका डी डिटरमिनेंट D1, D2, D3 यानी कि सारे के सारे 0 होने चाहिए। बेसिकली अगर आपको ध्यान हो वैल्यू कैसा आती है, x=D1/D, y=D2/D, and z=D3/D, ये बताया था कि नहीं ध्यान हो तो। अब अगर बाय द वे ध्यान से देखिए, अगर डी नॉट 0 है, अगर डी नॉट 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर डी 0 है, क्या है, डी 0 है
और D1, D2, D3 इनमें से कोई एक जीरो है, सॉरी कोई एक नॉन जीरो है, नीचे वाला तो जीरो है ही है और ऊपर वाला कोई सा एक नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो ओवर जीरो इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आएगी। तीसरी बताई थी मैंने क्या, अगर हमारा D1, D2, D3 और D सारे जीरो हो, जब यानी कि x की वैल्यू 0/0, y की वैल्यू 0/0 ये फॉर्म बन जाए, तो हम कहते हैं कि इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है, मैंने क्या करा, इस g की वैल्यू निकाली लैम्डा माइनस 3 आई, फिर मैंने D3 निकाला क्योंकि मुझे म्यू और चाहिए था बेसिकली, तो इनको छोड़ दिया मैंने, जरूरत नहीं समझी, D3 निकाली, D3 की वैल्यू आई कितनी, म्यू माइनस 9। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, इसको जीरो करा मैंने यहां से तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से जीरो करके 3 आ गई, इसको जीरो करा म्यू आ गई 9, वो पूछ रहा है लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 + 9 यानी कि 12, यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए और एक प्रॉब्लम, ये भी आपके आईआईटी में आई हुई है। If the equation x + y + z = 6 और x + λy - λz = λ-2 and 3x + 2y - 4z = -5 has infinitely many solution, यानी कि अगर इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो लैम्डा इनमें से किस इक्वेशन का रूट होगा, then lambda is the root of this quadratic equation, clear है साहब। तो सिंपली अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी हमने बताया था डेल्टा जीरो करना चाहिए हमें, तो हमने डेल्टा जीरो करा, डेल्टा की वैल्यू निकाली, निकाल के वो आई हमारी 24 - 8 लैम्डा, यहां से लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए प्रॉब्लम को कैसे घुमाया, ऐसे लैम्डा नहीं पूछा, ये पूछा लैम्डा किस इक्वेशन का रूट होगा, तो भाई ठीक है अब लैम्डा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में रख के देख लो, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर। चलिए रखिए लैम्डा की वैल्यू 3 सी में, 3² - 3 - 6 यानी कि 9 - 3 - 6 तो 9 - 9 जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो भैया इसका जो लैम्डा है वो तीसरे ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, समझ गए कि नहीं, इस ढंग की प्रॉब्लम आपके यहाँ आईटी में पूछी जा रही है। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम और, यस इफ बीटा ये सॉरी इफ बी एक मैट्रिक्स है बी 5 2 α 1 0 2 1 α 3 - 1 इफ दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स ए देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच डिटरमिनेंट a + 1 = 0। देखिए बच्चों वैसे तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड की प्रॉब्लम है, लेकिन बस हमारे दिमाग को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले तो देखिए क्या कह रहा है वो, बी जो है वो किसका इनवर्स है 3/3 मैट्रिक्स ए का, तो मैं क्या कह सकता हूं बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल दिया है कि नहीं, क्या लिख सकता हूं बी इक्वल टू आई ओवर ए और ए इधर आ जाएगा तो ए बी इक्वल टू आई, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट आई। अब डिटरमिनेंट ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 हो जाएगा, तो यहां से डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट बी हुआ कि नहीं हुआ, आया ना। अब चूंकि मुझे मैट्रिक्स बी दी है तो इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ आराम से, तो बच्चों इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है सॉल्व करके 2α² + 2α - 25। क्लियर है साहब, हमें क्या एक्सप्रेशन दिया है, हमें एक्सप्रेशन दिया है देखिए डिटरमिनेंट a + 1 = 0, तो डिटरमिनेंट ए की जगह मैंने यहां से क्या रख दिया 1 ओवर डिटरमिनेंट बी + 1 = 0। अब एलसीएम आ गया डिटरमिनेंट बी है तो डिटरमिनेंट बी + 1 = 0 सो डिटरमिनेंट बी + 1 = 0 और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, यहां से सिंप्लीफाई करके α² + α - 2 = 0 फैक्टर करके अल्फा की 2 वैल्यू आई -3 और 4, तो बच्चों क्या होगा इनका सम -3 + 4 = 1 आएगा कि नहीं आएगा, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए ये लास्ट प्रॉब्लम है आपकी, ये सब प्रॉब्लम बच्चों जितनी भी मैंने आपको कराई है सभी आईआईटी की आई प्रॉब्लम थी, हाँ कुछ प्रॉब्लम अच्छी थी आप जानते हो, बट सारी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम आपके बोर्ड लेवल की भी थी, कॉन्सेप्ट है आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों क्या है प्रॉब्लम, लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 2b1 b स्क्वायर प्लस 1 b1 b2, b ग्रेटर देन 0, देन द मैक्स सॉरी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए ओवर बी, डिटरमिनेंट ए ओवर बी की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए पहले तो बच्चों हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, सिंपली डिटरमिनेंट तो आप सॉल्व कर ही रहेंगे, आप R1 के C1 के किसी के भी अलोंग ओपन करिए, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करके आया है b2 + 3। अब डिटरमिनेंट ए ओवर बी क्या हो जाएगा, b2 + 3 ओवर b, यानी कि b + 3 ओवर b। बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपने कैलकुलस में पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम, भाई जैसे b + 3 ओवर b है इसको आप जेड मान लीजिए, dz/dv निकाल के बी की उस वैल्यू का पता चल जाएगा कि इसमें फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा, क्लियर है। दूसरा मेथड किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए है बच्चों an > g n, ठीक। मान लीजिए दो नंबर है मेरे पास b and 3/b, तो इन दोनों का an क्या हो जाएगा b + 3/b/2 > g n, इन दोनों का gm क्या होगा b * 3/b का अंडर रूट यानी कि पावर हाफ, तो ये क्या हो गया b + 3/b > 2, इधर चला जाएगा देश बी से बी गया 3 की पावर हाफ यानी कि √3, क्या है यहाँ से b + 3/b > √3। जल्दी बोलो बच्चों, अब इस डिटरमिनेंट ये b + 3/b किसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट की तो आई थी, डिटरमिनेंट ओवर बी की वैल्यू तो आई थी, तो इसकी जगह मैं डिटरमिनेंट ए ओवर बी लिख दूं > this, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए ओवर बी इज 2√3। बोलिए बच्चों ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, तो देखिए इस ढंग से हम डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स कम्पिटिटिव लेवल पे करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद जब आप प्रॉब्लम्स करने बैठेंगे तो आपसे प्रॉब्लम इजीली हो जाएंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, जितनी मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, जैसे इनवर्स मैट्रिक्स और हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी बाद में एडजॉइंट की, वो सारी प्रॉपर्टी वो अगर आपको सारी ध्यान है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप मैट्रिक्स के प्रॉब्लम करके आएंगे।